जब इनको ये चीज बेची गई थी तो इनको बोला गया था कि भाई आपकी दाढ़ी आ जाएगी, यू विल बिकम मोर जैक्ड, यू विल बिकम मोर मस्कुलर, 300 400 500 मिलीग्राम पर वीक ले रहे हो जो आपका 1500 के आसपास का टेस्टोस्टेरोन बना देगा, दिस इज लाइक अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है, मैं आपका मित्र अनुराग। और आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हमारे एक 21 वर्षीय महानुभाव, वो महानुभाव नहीं है, वो बेचारा सही लड़का था, बच्चा बेचारा 21 साल का, उनकी दाढ़ी नहीं आ रही थी, उनको दाढ़ी बड़ी अट्रैक्टिव लगती थी और उनको ऐसी एडवाइस दी गई कि एक काम कीजिए, आप PRT पे चले जाइए, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या विदाउट अंडरस्टैंडिंग की वो चीज क्या है। और जब इनको ये चीज बेची गई थी तो इनको बोला गया था कि भाई आपकी दाढ़ी आ जाएगी, यू विल बिकम मोर जैक्ड, यू विल बिकम मोर मस्कुलर, क्योंकि उनकी शिकायत पता क्या थी, उनकी शिकायत ये थी कि मेरे पास एनर्जी बड़ी कम है, मुझे मैं थोड़ा लेजी सा हूं और मेरी दाढ़ी उतनी अच्छी नहीं आ रही, दिस इज एडवाइस ही कॉल। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली TRT होता क्या, दिक्कतें क्या क्या हुई हमारे भाई साहब को, और अगर करना भी किसी को तो कैसे किया जाए। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, और फॉर नेचुरल ओनली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज नंबर टू हिट, और आई एम नॉट अ डॉक्टर, और ये जो हम चीजें करते हैं इट्स ऑल लाइक डाइट न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन ओनली, नो ड्रग्स आर यूज्ड। तो शुरू करें। अब देखो प्रॉब्लम क्या है TRT की, पहले लोगों को यही नहीं पता कि बेसिकली TRT होता क्या है। और एक बात तो बताता हूँ कि जो बियर्ड है और मैस्कुलिनिटी है वो टेस्टोस्टेरोन है। चलो मैस्कुलिनिटी की बात अलग रहते हैं क्योंकि दैट्स अ सब्जेक्टिव टर्म, टेस्टोस्टेरोन इज समथिंग वी कैन मेजर, तो मैं इस पर पूरी वीडियो बना सकता हूँ जितना एविडेंस हमारे पास है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि बड़ा कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि नेसेसरली अगर आपकी दाढ़ी नहीं है तो यू नॉट मैनली और आपका हाई टेस्टोस्टेरोन नहीं हो सकता, नॉट ट्रू। तो इसलिए स्टॉप चेजिंग इट, दाढ़ी है तो रखिए, नहीं है तो मत रखिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये बात यहीं खत्म करते हैं। इफ समबडी tells you ki you need to have like a bahut high testosterone or you need to inject yourself with testosterone aur tab ki daadi aa jayegi, it's much more complex than that, to iske liye don't do it। the ab let's talk about TRT a bit, testosterone replacement therapy। iska matlab kya hai, iska matlab ye hai ki aap jo aapka naturally available testosterone hai, theek hai, aap usko replace kar rahe ho aur aap stable levels kar rahe ho। let me explain iska matlab kya, aapke exam chal rahe hain, basic ke saal walon ki baat kar rahe hain, chalo unki baat karte hain, aur aapke exam chal rahe hain aur exams aapke let's say monday wednesday friday ko hain, tuesday थर्सडे और सैटरडे को आप थोड़ा आराम कर रहे हो, जिन रात आप पूरी रात बैठे हो, आपने बहुत सारी कॉफी पी है, उस दिन कभी सुबह टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना, और जिस दिन आपको पूरे आराम से सोए उस दिन लेवल चेक करना। तो ये लेवल्स हर रोज चेंज होते हैं, तो ये लेवल्स बेसिकली अपने आप में कुछ नहीं बोलते, ये लेवल्स का क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की कंडीशन होती है, जैसे हम खाते हैं, जैसे हम पीते हैं, ये इन अ वे उस चीज को बड़े आराम से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर कोई टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है तो उसका मतलब ये हो गया कि उसकी बॉडी तो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर रही, मतलब जो इंजेक्शन लगाता है उसकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करेगी, दिस NHPG एक्सेस जो मैं बहुत बड़ी बात कर चुका हूं अपने वीडियोस में, वो HPG एक्सेस बेचारा टूट जाता है और इंजेक्टेबल वर्जन से पूरा कंट्रोल करते हो। तो जैसे मान के चलो एक दिन हो सकता है आपका टेस्टोस्टेरोन 800 जो बड़े आराम से सोए हो, एक दिन हो सकता है आपका 400, इतना डिफरेंस होता है, आधा डिफरेंस पड़ जाता है। तो लेकिन अगर हमने ये रिप्लेसमेंट डोसेज लिए तो हर रोज स्टेबल आप 800-900 पे करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि भाई ये किया कैसे जाए, ये डेंजरस चीजें हैं, दे लाइक रियली पोटेंट केमिकल्स जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, ये बहुत पोटेंट होते हैं, तो ये बहुत ट्रायल एरर करके पता चलता है कि किसके लिए रिप्लेसमेंट डोसेज क्या है। 21 साल वालों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और एक और प्रॉब्लम क्या, बात सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की नहीं है, बात है टेस्टोस्टेरोन की, फ्री टेस्टोस्टेरोन की, ईस्ट्रोजन की, प्रोलैक्टिन की, हमें सारे के सारे हार्मोन्स देखने बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम 21 साल के होते हैं रिलेटिव हमारे उतने पैसे नहीं होते, राइट, क्योंकि अभी हमने करियर शुरू किया होता है, कॉलेज में होते हैं, तो किसी तरीके से इंजेक्शन खरीद लिया, लेकिन उसके बाद की सारी मेंटेनेंस वो हमारे बस की नहीं है। और जिन्होंने हमें दिया ही इस एडवाइस पे हो कि भाई तू दाढ़ी उगा लेना तो यू विल गेट लाइक रियली जैक, एक टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगा के वहां पे तो आप भूल ही जाओ कि वो क्या चीज हो जाती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें इसमें सोचनी पड़ती है। ठीक है, अब अगला पार्ट ये है कि बड़े लोगों को ये लगता है कि अगर हम सिर्फ नेचुरली टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द डोसेज तो वो TRT होगी। अगेन मैंने जैसे आपको समझाया कि TRT का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपना नेचुरल प्रोडक्शन रिप्लेस कर रहे हो, तो जैसे नेचुरल 700-800 है या होना चाहता है तो वो TRT से हो जाता है। लेकिन अगर आप 200-300-400-500 मिलीग्राम पर वीक ले रहे हो जो आपका 1500 के आसपास का टेस्टोस्टेरोन बना देगा, दैट इज नॉट TRT। अब इससे अगली प्रॉब्लम क्या है, इससे अगली प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रैंडमली किसी से भी अपने साइकिल्स बनवाओगे या इस टाइप की थेरेपी, लोगों को लगता है कि ईस्ट्रोजन इज अ डेविल, वो बड़ी खराब चीज है। अब लेकिन अगेन वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ईस्ट्रोजन इज नीडेड इन रेंज, अगर वो रेंज के बाहर है तो वी डोंट नीड ईस्ट्रोजन, लेकिन रेंज में है तो हमें ईस्ट्रोजन चाहिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन कार्डियो प्रोटेक्टिव है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है। और नॉर्मली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन लिया, साथ में ईस्ट्रोजन का लिया, सब प्रीडिफाइंड चीजें होती है, ये देखना ही नहीं कि ये डोसेज से क्या हो रहा है, ये इससे क्या हो रहा है, वो कैसे आता है, वो कैसे होगा कि आपने एक दो हफ्ते लेना शुरू किया, फिर ब्लड वर्क करो, फिर हर चीज करो, फिर डोसेज एडजस्ट करो, ये बहुत सारा काम है,
बहुत सारा। तो जस्ट बिकॉज आपकी दाढ़ी नहीं आ रही है, यू वांट टू गेट जैक्ड एंड मस्कुलर, तो इतना सारा काम कर पाओगे? दिस इज लाइक अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम क्या हुई इस केस में कि आप इन्होंने टेस्टोस्टेरोन यूज करना शुरू किया, तो उसके बाद जब यूज किया डोसेज ज्यादा थी जितनी होनी नहीं चाहिए थी, तो एक्ने होना शुरू हो गई। तो जब आप इतने कंसर्न हो दिख कैसे रहे हो, तो एक्ने आप कैसे दिखा दोगे यार? तो फिर क्या हो गया, अगेन आप मतलब रिकमेंडेशन क्या आई, आइसोट्रेटिनोन एक्यूटेन जो मेडिसिन होती है, उसने इनके पेट का बुरा हाल कर दिया। जो चीज आपको स्किन पे दिखती है ना, तो उसको आई डोंट रिकमेंड कि आप यार कुछ ओरली बाहर से लगा के ठीक करने की कोशिश करो, देखो कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं इतने सारे पेट देखे हैं जो क्या बोला तूने, मतलब पेट देखे नहीं, मतलब पेट खराब होते हुए देखे बिकॉज ऑफ दिस मेडिकेशन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है, गंदी मेडिकेशन है, तो अगर यूज भी करनी हो तो अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, और बहुत कम डोसेज और बहुत कम टाइम के लिए। वैसे नहीं यूज करनी पड़े तो मतलब अगर कभी आपको रिकमेंड होती है, रीड अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर डॉक्टर, फिर डिसीजन लीजिए कि आपको लेना है कि नहीं, क्योंकि पेट खराब हो जाता है तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। अब एक और चीज जो कि लोगों को लगता है कि हम टीआरटी ले लेंगे तो यू विल गेट जैक, नो। पहले बताता हूँ ये टीआरटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, कि टीआरटी मेक्स यू मस्कुलर। अब आजकल ओपनली लोग बहुत डिस्कस करने शुरू हो गए। देखो क्या होता है, घर की बात करते हैं, घर को बनाने में बहुत पैसा लगता है, लेकिन घर को मेंटेन करने में रिलेटिवली बहुत कम पैसा लगता है एज कम्पेयर टू बनाने के। तो सेम चीज होती है, कई बार बड़े सारे बॉडी बिल्डर्स उन्होंने दे हैव टेकन लाइक टन्स एंड टन्स ऑफ स्टेरॉइड्स, टन्स एंड टन्स ऑफ जूस, और उसके बाद दे कैन मेंटेन नॉट एग्जैक्टली दैट लेवल ऑफ मस्कुलैरिटी, लेकिन कम मस्कुलैरिटी ऑन टीआरटी। आप लैरी व्हील्स को देख लीजिए, जो लैरी व्हील्स का जो आई गेस टीआरटी डोसेज 170 मिलीग्राम पर वीक है, वो उनके लिए ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग बेसिस होता है, या चेक इन मतलब हिट एंड ट्रायल करके मेथड होता है। तो क्या लैरी व्हील्स ने जो करंट मसल और स्ट्रेंथ अपने उस डोसेज में बनाया? एब्सोल्युटली नॉट। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसको डाइट का नहीं पता, ट्रेनिंग का नहीं पता, सप्लीमेंट्स का नहीं पता, स्लीप का नहीं पता, टीआरटी हो सकता है आपके लिए कुछ भी ना करे। तो हो सकता है आप 3-4 महीने से टीआरटी ले रहे हो, नोबडी इज नॉट गोइंग टू नोटिस, दिस हैपेंस बिग टाइम, हमारे भाई साहब के साथ भी, क्योंकि अल्टीमेटली हार्मोन्स तो एक चीज है भाई साहब, लेकिन बाकी चीजें भी तो करनी बड़ी जरूरी है। अब जैसे इस केस में एक चीज थी कि दिस डूड वाज फीलिंग वेरी लेजी, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत आया था, हमारे सूरज भगवान को कभी इन्होंने देखा ही नहीं, देयर वाज नो सन एक्सपोजर। आपने विटामिन डी नहीं चेक किया, आपने अपना विटामिन बी12 लेवल चेक नहीं किए, आपका जिंक लेवल क्या है, मैग्नीशियम लेवल क्या है, अरे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पूरी तो करो। तो मैक्सिमम केसेस में आप लाइफस्टाइल ठीक करोगे, आपकी सारी चीजें वैसे ही दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, दैट्स लाइक अ बैड 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 आईडिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो आपने क्या किया, तो आपने नहीं किया, आई होप आप ना करें, आप एक 21 वर्षीय नर हैं, मादाएं ऐसी गलतियां नहीं करती, और आपने टेस्टोस्टेरोन ले लिया, एक साल हो गया, आपको लगा कुछ खास तो हुआ नहीं, मतलब यू हैड डिफरेंट आइडियाज किस चीज कैसे काम करेगी, तो आपको लगा जब काम करते हैं छोड़ देते हैं। जो गेटिंग ऑफ वाला पार्ट होता है ना, दैट रिक्वायर्स बहुत सारी मेंटल मैच्योरिटी, क्योंकि आपके हार्मोन लेवल्स नेचुरली 700-800-900 में जो भी आपका लेवल जो भी डोसेज आप ले रहे होगे उसके हिसाब से होगा, तो एकदम वो ड्रॉप करेगा, क्योंकि आपका जो बॉडी का एचपीजी एक्सेस है जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाता है वो बंद पड़ा है। अब उसने फिर से रिस्टार्ट होना, रिस्टार्ट होने में कई बार 2-3-4-5-6 महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाता है, और कुछ केसेस में बड़े कम होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो कभी शुरू नहीं होता, तो ये रिस्क हमेशा ही रहता है। तो नो मैटर आप कितना सेफ अपने हिसाब से कोई साइकिल चलाएं, इनहेरेंट रिस्क तो इसमें है ही है। तो मेरे प्यारे मित्रों यार, एटलीस्ट 23-25 साल तक तो इस टाइप की चीजें बिल्कुल मत सोचो। अगर आपको लग रहा है आपका मसल जिस स्पीड से बन रहा है उससे आप खुश नहीं है, या कुछ बाकी चीजें आप उससे खुश नहीं है, उनके आंसर्स दूसरे हैं, स्टेरॉइड्स आर नेवर द आंसर। अगर आपको सिंपल वेरिएबल्स की समझ नहीं है, आप इतना पावरफुल वेरिएबल ऊपर से और डाल दोगे, दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। और ये बहुत हो रहा है क्योंकि आज इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन बड़ी फ्रीली अवेलेबल है। लेट मी रीट्रेट, फॉर मैक्सिमम पीपल इट्स गोइंग टू मोर हार्म देन गुड। लेकिन एक बार जब 30s में है, 40s में है, फिर पात लगाती, इंसान में मैच्योरिटी भी आ जाती है, रिसोर्सेज भी होते हैं, तो हर चीज बेटर तरीके से मैनेज हो जाती है। लेकिन आप यार घी भी खाया करो, मस्त रहो, सही सिस्टम हो जाएगा। मतलब अपनी रूटीन सही करो, और खासकर पॉन वाला पार्ट जो एडिक्टेड है बंद करो भाई इस चीज को। मतलब पॉन ने ऐसी पावर आपके ऊपर रखी है कि मान के चलो आप इजैकुलेट कभी भी कर देते हो, तो ये क्योंकि और बहुत बड़ा इशू देख रहा हूं मैं अपकमिंग टीन्स में, या नॉट अपकमिंग लेकिन अर्ली 20s में। तो ब्रह्मचारी का पालन करो कुछ टाइम, एटलीस्ट कुछ टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उम्र भर बोल, लेकिन कुछ टाइम करो, अपनी डाइट का ध्यान दो, सही टाइम पे सो, स्क्रीन टाइम कंट्रोल करो, छोटे शॉर्ट्स देखना बंद करो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो, किताबें पढ़ो, फॉलो योर ड्रीम्स एंड ऑल दैट गुड स्टफ। सिर्फ इंजेक्शन थोड़ी रह गए हैं जिंदगी। तो आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम, और अगर इस वीडियो देखे हमारे कोई भी यहाँ पे यंग भाई बंधु जो है वो रुक जाते हैं लेने से, तो आई थिंक ये वीडियो बनाने का मतलब वीडियो सक्सेसफुल हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप इट वॉज वर्थ योर टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।